हाल ही में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कहे जाने वाले तौफीक हतपुरे ने आज एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया है और कुछ दिन पहले शौकत पठान ने भी एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया था। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आज आपके करीबी कहे जाने वाले तौफीक हतपुरे, उन्होंने भी आज कांग्रेस एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आज का माहौल देखते हुए, माहौल को मद्देनजर रखते हुए, समाज जिस तरीके से एक तरफ आ रहा है, ये सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक तरफ आ रहे हैं भाई, सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, हिंदू भाई भी हमारे इस बार बदल चाह रहे। जिस तरह मेरे साथ तमाम हिंदू भाई मेरे से बोले कि इस बार आप एमआईएम में काम करो, हम तुम्हारे साथ है, उसी तरह तौफीक भाई को भी ये माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, उनको समाज के साथ वो आ गए। कल जो हमारे बहन ने बताया कि 2% भी 11 लोग मतदान नहीं लेते थे, मैं उसका साफ तरीके से खुलासा करता हूँ कि पिछले लोकसभा के अंदर हमारा समाज 73% मतदान किया है, वो 2% किस तरह के से काटे पता नहीं। ठीक है, हमारे 11 में से 2 कुछ तो सबको नाराज रहेंगे, तो 9 तो थे, 9 में से 8 गए, एक तो कोई सही था ना, एक तो इस टाइम पे था ना समाज का तुम्हारे पास, उसको आप टिकट दिया करते थे, ठीक है, आप उसको भी नहीं दिया करते थे तो आपके घर में तायरा पर थे, अकबर भाई थे, ये भी मुस्लिम थे, उनको टिकट दिया था, वो तो रिश्तेदार थे ना घर पर आपके, तो इसके लिए समाज एक तरफ, हमारे सब भाई हमारे साथ आ गए, इसका करारा जवाब देने के लिए आ गए और माहौल बदलने के लिए आ गए। और कितने करारे जवाब मिलने वाले थे, क्योंकि जब मंच पर आप थे तो किसी को आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी जानकारी नहीं मिली, किससे संपर्क हो रहा था और कौन पार्टी में आने वाले हैं? एक मेरा भाई है, वो भाई मेरे साथ आएगा इंशाल्लाह 8 बजे तक, अभी हम उनके पास ही जा रहे हैं, हमारी बात हुई फोन पर से, इंशाल्लाह वो बात मान के वो भी आने को तैयार होगा। कौन आपका भाई है थोड़ा बताओ? वो भाई आपको 8 बजे सामने दिखाएंगे हम कौन हमारा भाई है, जिस तरह के इशारा देके जाओ इशारा, तो मैं जिस तरह से आपने बताया था कि 12 तारीख को धमाका होने वाला है, उसी तरह आज 8 बजे धमाका होगा इंशाल्लाह, 8 बजे धमाका होगा इंशाल्लाह, धमाका लोग संपर्क में 5 लोग का धमाका हो जाएगा इंशाल्लाह, 5 लोग इंशाल्लाह धमाका करेंगे। 2% वोट नहीं लेंगे, परिणीति शिंदे का जुमला था, कहीं ना कहीं वो जुमला परिणीति शिंदे को या कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रहा है, या फिर जो सीटों की मांग की थी कांग्रेस पार्टी की ओर से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टिकट ना देने का, और ये जो जुमले परिणीति शिंदे के है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को परिणीति शिंदे को नुकसान पहुंचाने वाली है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, ये तो पार्टी सोचने पड़ी है कि ताई के बाद मुंह से बात ऐसी निकली कैसे, गया समाज परेशान हो गया, अरे आज हमको 2% की बात कर रहे हैं हमारे तई हमारे से, ये लोग हर इंसान मिलकर मेरे पूछ रहा है क्या बात है भाई, 2% की बात क्या है, तुम 11 लोग 2% मतदान नहीं खा सकते थे। मैं आपको खुलासा करता हूँ, तौफीक हतपुरे यहाँ से लौट के आते है, फिरदौस पटेल वहां से आते है, रियाज उंडेकर वहां से आते है, ये सब नगर सेवक 10,000-12,000 मत लेके लौट के आते है, जब 3 लाख मतदार इस मध्य के अंदर है, 2% का हिसाब किया गया तो 6,000 होते हैं, कृषि ज्यादा नगर से बदले गया तो 2% के हिसाब पैसे लगे, मेरे बहन के पास कैलकुलेटर नहीं था, रिंग आएगा था वो कैलकुलेटर चुक गया इंशाल्लाह, लेकिन 1-2% का करारा जवाब ना इंसाफी, ये 23 तारीख को आपको दिखाई देगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, करारा जवाब मिलेगा और नाराजगी जो है कांग्रेस पार्टी को देखनी पड़ेगी ऐसा लगता है आपको, कार्याध्यक्ष एमआईएम पार्टी के यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है, अभी हमारे जो शौकत पठान साहब ने कहा ये हकीकत में करारा जवाब था, और अभी हमारे जो यहाँ के दिग्गज जो एक लीडर हमारे तौफीक हतपुरे साहब, उन्होंने भी आज करारा जवाब दिए, ऐसे बहुत से करारे जवाब कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे आज तक चॉकलेट के शॉप दिए नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को चॉकलेट देने का काम करे लिए, आज उनको हम डेयरी मिल्क चॉकलेट देंगे इंशाल्लाह। हाँ, डेयरी मिल्क चॉकलेट का मतलब क्या है थोड़ा? अभी मालूम पड़ेगा ना 23 तारीख को, 23 तारीख को इंशाल्लाह बहुत से लोग जोड़े ले। और कितने लोग संपर्क में आपके? अल्लाह के करम से हमारा समाज पूरा रोड पर निकले ला है, हर को समझा रहे ला है, हर लोगों को जो हमारे समाज के जो दिग्गज राजकारण से कुछ उनका लेना देना नहीं है, ऐसे लोग हर जो दिग्गज नेता है उनके पास जा रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट देकर फारूक भाई को जिताना है, अपना एक नुमादा असली में भेजना है हमारे को क्या भी करके, तो हमारे को इस बार कांग्रेस पार्टी हमारे को इतना गिरावट समझती क्या, हमारे वोट लेती है, हमारी इसी बगावत करती है और हमारे को मुस्लिम समाज को एक
कचरे के माफी गुना हमारे को काट कर फेंके ले दाल में कड़ी पत्ता समझ को। इंशाल्लाह हम हर मुद्दे पर चुप बैठे, हमारे हुजूर के शान में गुस्तागी हम चुप बैठे, हमारे हिजाब के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला हम चुप बैठे, लेकिन अब हम चुप बैठने वाले नहीं। हम समाज पूरा प्लेटफॉर्म पर आकर उनको करारा जवाब देंगे। आते से 23 तारीख को ये करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को रहेगा इंशाल्लाह। बात करें तो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो सोलापुर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में खास करके कांग्रेस पार्टी को झटके पे झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मोची समाज ने नाराज होकर जिस तरह से मोची समाज के अध्यक्ष और माजी युवक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र भंडारे हो या बाबा करगुड़े रहे, उन्होंने पार्टी से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा देकर अपने पूरे मोची समाज को लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। और आज जो है दो बड़े नेताओं ने कुछ दिन पहले हमारे शौकत पठान ने एमआईएम पार्टी के सभा में जब ओईसी सभा आए थे तब उन्होंने एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया था और आज तौफीक हत्तुरे इन्होंने एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया है। इसका क्या नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा ये तो 23 तारीख का रिजल्ट ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नजाब कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ। सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडेपीर। सोलापुरात हॉटेल बडेपीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवयांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये। याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल। फॅमिली साठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय। हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस, सोलापूर। प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक, 9503050076। मोहम्मद सोहेल, 8149278745।